हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS Dream Rider 9044 में। तो हम आपके लिए जो है छोटा मोटा ने बहुत बड़ा मेला लेके आ गए हैं दीपावली के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना स्टॉक हमारे पास लगा हुआ है और जो आज हमारे पास बाइक अवेलेबल है, जो कि आज सुबह फ़ोन आया था, और उसी बाइक का जो हम रिव्यू करेंगे और उसका आपको कलर दिखाएंगे, उसकी डिटेल देंगे, फुल रिव्यू करके बताएंगे। तो आप उसका कलर देखिए, गाड़ी हमारी अब इसका देखिए सर, मैक्स ग्रे मेटालिक कलर इसका है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा कलर है, जो कि 200 सीसी में सबसे बेहतरीन, और इसका जो माइलेज है और जो इसका लुक है, परफॉर्म है, और जो है बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इसके आगे के लुक की बात करते हैं तो आप इसका आगे का लुक आप देख सकते हैं, इसका काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा है। आप इसका देख सकते हैं जो शाइनिंग में वाइजर दे रखा है ब्लैक कलर में, और इसका जो है मेटालिक कलर ये दे रखा है। तो आप वाइजर इसका आप देख सकते हैं, इसका जो आगे का है, इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा है, और ये नंबर प्लेट के लिए दे रखा है, काफ़ी बेहतरीन है। और इसमें जो है एक हीरो की जो है ब्रांडिंग दे रखी है 3D लोगों के साथ में, और इसका जो लाइट के DRL लाइट के साथ में आता है, इसका लाइट देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा। अगर हम इसके लाइट जलाते हैं तो आप इसका देख सकते हैं लाइट कितनी प्यारी और बेहतरीन लग रही है। और अगर ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छे और मजबूत हैं। और इंडिकेटर हम आपको जो है दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट का इंडिकेटर, जो इसका लुक है बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है, और ये लेफ्ट का इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर और लाइट जो है काफ़ी बेहतरीन, ये देख सकते हैं 2 DRL लाइट के साथ में आता है और काफ़ी बेहतरीन इसकी लाइट है। और आप इसके जो है मिरर गार्ड की बात करते हैं, इसका आप मिरर गार्ड देख सकते हैं प्लास्टिक का है, काफ़ी मजबूत और बेहतरीन है, तो राइड आउट करने में किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं होगी। और इसके अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन हैं, और डबल ABS चैनल के साथ में आते हैं, ये आप देख सकते हैं ABS की ब्रांडिंग दी हुई है। और ये कैलिबर हमारे जो दिए हुए हैं ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन हैं। तो रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अगर हम डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करते हैं तो 276 mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन लुक में है। राइड करने में हमें किसी भी प्रकार के डिस्क ब्रेक लगाने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। और इसका आप टायर देख सकते हैं, इसकी टायर की साइज़ की बात करें, टायर आप देखिए इसका जो ग्रिपिंग वगैरह है काफ़ी बेहतरीन है। और इसका जो साइज़ दिया हुआ है आप देख सकते हैं 180/17 दिया हुआ। अगर अलॉय व्हील की बात करें तो इसका साइज 17 है। तो अलॉय व्हील का जो ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स या स्टिकरिंग दी हुई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन इसमें नज़र आ रही है, रेड कलर की दी हुई है। बाकी जो हमारा जो अलॉय व्हील है वो पूरा ब्लैक कलर का है, और जो टायर है हमारा जो मिलता है नायलॉन का टायर मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और अच्छा नज़र आता है। इसका लुक तो आप देखिए कितना बेहतरीन, उसमें जो ग्राफिक्स दी हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छी ये नज़र आ रही हैं। अब इसमें देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्टील का दिया हुआ है, जो ये दिया ब्रांड दिया हुआ है, ये स्टील का है, मेटल का है, काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है। और हमारी जो आप देख सकते हैं इसमें जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम 4V, जो कि बेहतरीन लुक में इसको लॉन्च किया है। और सबसे मेन बात इसमें जो है, सबसे अच्छी बात है, जो कि आपको 200 cc की बजट में जो बाइक है, सबसे मेन बात जो सेल्फ के साथ में सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मिल रही है किट, जो कि अच्छी अच्छी गाड़ियों में 200 cc में नहीं मिलती है, सबसे अच्छी और बेहतरीन बात है। तो आप इसका अगर इंजन की बात करते हैं तो इसका इंजन जो है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। आप इसका देख सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का दे रखा है, तो इंजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है राइड करने में। अगर इंजन की बात करते हैं तो 200 सीसी का इंजन दिया हुआ है, 18.8 BHP पे 8500 RPM पे जनरेट करता है, और मैक्स टॉर्किंग की बात करें 17.35 Nm 65 RPM पे जनरेट करता है। और इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर इसके गियर के बारे में बात करते हैं तो 5 गियर के साथ में आती है, और ये सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और अच्छा है।
तो आप इसके देख सकते हो शाइनिंग दे रखा है इसके, जो काफ़ी बेहतरीन और अच्छा नज़र, बाकी तो मेटालिक में दे रखा है। ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़र आता है। यहाँ पे हीरो की जो है ब्रांडिंग दी हुई है, और सबसे मेन बात जो इंजन जो इसका आता है FI के साथ में आता है, तो हम लोग को जितना भी एवरेज माइलेज जो भी मिलने वाला है इसका, और भी अच्छे से अच्छा मिलेगा हमें। तो आप इसका देख सकते हैं ये ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा और मजबूत दे रखा है। और फुटरेस्ट की बात करें तो ये देखिए राइडर के लिए दे रखा काफ़ी अच्छा दे रखा है, और ये हमारे जो पिलियन के लिए दे रखा काफ़ी बेहतरीन दे रखा है। और इसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, मेटालिक में देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, और काफ़ी अच्छे लुक में ये नज़र आता है। अगर हम इसके आवाज़ आपको, अगर आवाज़ की बात करते हैं तो आवाज़ हम इसकी आपको सुना देते हैं, जो कि एक ही बार में ये देखिए आवाज़ इसकी बहुत ही आ रही है। थोड़ा सा इसकी लेटर हम लेंगे तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है हमारी जो है, आवाज़ कैसी लगी, और इंजन की आवाज़ बिल्कुल प्यारी आवाज़ आपको नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से बंद करते हैं, और बाकी हम आ जाते हैं इसके पीछे, पीछे की बात करते हैं तो पीछे का आप लुक देख सकते हैं इसका, जो काफ़ी बेहतरीन है। और ये देख सकते हैं सिंगल पिस्टन के साथ में ये डिस्क ब्रेक दे रखी है, और डिस्क ब्रेक की बात करें तो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है 242 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है। और इसका जो टायर है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा नज़र आता है, ग्रिपिंग में काफ़ी अच्छा है, राइड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर हम टायर की साइज़ की बात करते हैं तो इसका जो टायर का साइज़ है आप यहाँ देख सकते हैं 130/17 का दिया हुआ है, 130/17 का दिया हुआ है। और इसका जो अलॉय व्हील है जो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और इसका जो आप टायर है बहुत ही अच्छा है। तो आप इसके पीछे की बात करते हैं, इसका पीछे जो ये हमें बाइक अगर हम राइड करते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है हमारे ऊपर ना है, इसके लिए दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये नंबर प्लेट के लिए दे रखा है, और आप ये देख सकते हैं इसके इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे और बेहतरीन हैं। और टेल लाइट इसमें जो है आपको दिखाते हैं जला के, इसका जो टेल लाइट है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टेल लाइट नज़र आती है, और यहाँ पे जो है हीरो की ब्रांडिंग दी हुई है। बैठने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी हमारे पिलियंस को, अगर वो नॉर्मल भी बैठता है तब भी ठीक, अगर इसको पकड़ के बैठता है तब भी हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, तो आप इधर आ जाते हैं, हम ये देखते हैं यहाँ पर जो इसका जो साड़ी गार्ड दिया हुआ है हमें, काफ़ी बेहतरीन और अच्छा दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं जो श्रृंगार दिया हुआ है ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये चैन ओपन है हमारी हाफ, तो ये फुल नहीं है, चैन कवर जो भी है हाफ है, इसलिए इसको लुक में अच्छा लाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए दिया हुआ है। और ये पिलियन को बैठने के लिए पीछे जो है फुटरेस काफ़ी बेहतरीन और अच्छे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200S की ब्रांडिंग दी हुई है। अगर हम पीछे सीट की बात करें तो सिंगल सीट दे रखी है, और ये हमारी जो चाबी है हमें यहीं से खोलने के लिए दे रखा है, अगर यहाँ से लगाएंगे तो हमारी सीट ओपन हो जाएगी, ओपन नहीं करेंगे हम फिलहाल, और ये सीट के लिए दे रखा है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है कि सिंगल दे रखा है और काफ़ी अच्छी, और सीट आप देख सकते हैं सिंगल सीट है, जो कि काफ़ी अच्छे पिलियंस के लिए बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, और राइडर के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। पर इसके अगर वेट की बात करते हैं, पहली बात तो बाइक का जो है 155 kg की आती है, और अगर सीट हाइट की बात करते हैं 795 mm की है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 165 mm की है। अगर ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 2000 mm की है, ओवर लेंथ विड्थ की बात करते हैं 745 mm की है, ओवर लेंथ हाइट की बात करते हैं 1106 mm की है, और व्हीलेबल्स की बात करते हैं 1344 mm की है। तो आप ये जो, तो साइड में हम आ जाते हैं, आप यहाँ पे भी FI का जो है जो उस साइड में दिया हुआ है FI का सिस्टम, वही इस तरफ भी दिया हुआ है ब्रांडिंग, और हीरो की ये ब्रांडिंग है। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो है ये 5 गियर के साथ में गाड़ी आती है हमारी, और ये देखिए हमारा जो स्टैंड है, अगर हम ये स्टैंड लगा हुआ है तो हमारी बाइक अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, जैसे ही हम स्टैंड को ऊपर करेंगे हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो लुक है बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रीम की ब्रांडिंग दी हुई है 4V के साथ में, और ये स्टेल्स दे रखा है यहाँ पे, और ये स्टील का दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम अगर इसके पेट्रोल टैंक की बात करते हैं, इसके जो पेट्रोल टैंक है 12.8 यानी कि 13 लीटर के आसपास इसमें तेल आपका आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। और ये बाइक जो है E20 के साथ में आती है, जो कि फ्यूचरस गाड़ी है, और हमें जो है एवरेज इसका जो मिलने वाला है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं इसका जो सबसे मेन बात, अगर हम बाइक को राइड करते हैं टैंक सेफ्टी के लिए ये दे रखा है, अगर हम कुछ भी चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ अगर हम कभी कभी बाइक ले रहे हैं, इंडियन है ना, तो हम लोग कुछ चीज़ें आगे रख लेते हैं, चाहे जितनी महंगी बाइक हो तो हम लोग आगे रख लेते हैं, तो उसमें जो है हमारे जो इसमें पेट्रोल टैंक में है किसी भी प्रकार का कोई स्पेस ना है, तो इस वजह से इसको दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की है, इसका हैंडल बार आप देख सकते हैं, इसका हैंडल बार जो है
काफ़ी अच्छा और बेहतरीन नज़र आता है। और इसमें जो है स्विचेस हमारे जो है सब ऊपर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ से ये चाबी ऑन करते हैं, आप ये देख सकते हैं हाई लो का ये पास दे रखा है, ये यहाँ पे हाई लो का दे रखा है आगे, और ये इंडिकेटर के लिए दे रखा है राइट और लेफ्ट के लिए। और ये हॉर्न की बात करते हैं, सिंगल हॉर्न के साथ में आता है, तो हॉर्न की आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिए सिंगल हॉर्न के साथ में आता है तब भी तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये हमारा सेल्फ है जो कि एक बार में स्टार्ट हो जाता है सेल्फ के साथ में। सबसे मेन बात है आपको इसके साथ में किक भी मिलती है जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। अब एक चीज़ अभी आपको दिखा देते हैं, इसका जो सॉकर है पीछे का आप देख सकते हैं मोनो सॉक सॉकर दे रखा है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, रेड कलर में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है। इस पर कीचड़ ना जाए उसको बचाने के लिए ये हमारा फाइबर का दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन और मजबूत है। अगर इसके डिस्प्ले का प्रेजेंट आपको दिखाते हैं तो भाई क्या बेहतरीन लुक में है। अब इसके देखिए मैं चाबी ऑन करता हूँ, ये देख लीजिए क्या बेहतरीन डिस्प्ले है जो कि हमारे जितने भी फ्यूचर हैं सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। और इसमें सबसे अच्छी एक मेन बात है, इसमें जो है आपको हीरो का जो ऐप आता है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, जो भी मैसेज कॉल आएंगे आप डिस्प्ले पर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। कहते हैं कि इसमें जो सर्विस रिमाइंडर का जो है ऑप्शन दिखाई देता है, ये इको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये एवरेज आपका दिखाई दे रहा है, ये ट्रिप 0.1 किलोमीटर एवरेज आपका टाइम यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सर्विस रिमाइंडर का भी जैसा ही अगर हमारी सर्विस के लिए बाइक आते तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंच टाइप में बन के आएगा कि वो बोलती है कि आप हमको सर्विस के लिए ले चलें, वो 200 से 400 किलोमीटर पहले ही आपको बता देती है कि आप सर्विस के लिए हमको ले चलें, हम सर्विस लायक हो गए हैं। तो बाइक आप बाइक देख चुके हैं, इसकी फुल डिटेल देख चुके हैं, तब इसके हाइट की बात करते हैं। तो मेरी जो हाइट है 5'8" है, तो मैं इस पर आपको बैठ दिखाता हूँ कि मेरे भैया पैर लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वैसे ये डबल स्टैंड पे खड़ी है तब भी मेरे पैर लग रहे हैं, तो मुझे तो राइड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है नहीं। इसके प्राइस की तो ये जो ऑन रोड प्राइस है इसका 1,69,220 रुपये आती है। तो आप जो है इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप RS मोटर आलमबाग आके परचेस कर सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा। तो आपको मेरा जो वीडियो है ये कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नई बाइक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खत्म, बाय।